अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर इस एपिसोड की विशेष खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 62वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उल्लासनगर महानगर पालिका में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर उल्लासनगर के विभिन्न संगठनों की ओर से, राजनीतिक पक्षों की ओर से कई पदाधिकारी आए, कई कार्यकर्ता आए। उल्लासनगर के विभिन्न क्षेत्रों से शहरवासी वहां आए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, मान सम्मान व्यक्त किया गया। सरवना जय भीम। आज हमारे सबके उद्धारकर्ता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 62वां महापरिनिर्वाण दिन है। हर साल की तरह इस साल भी सम्राट अशोकनगर से बुद्धिवारिका समिति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती महोत्सव समिति और हमारी सभी साथी संस्थाएं, सभी बाबा साहब के अनुयायी सम्राट अशोकनगर से यहाँ पर चलकर मोमबत्ती जलाकर यहाँ पर आए और हम सभी ने यहाँ पर बाबा साहब को यहाँ पर पुष्प अर्पण कर, मोमबत्ती जलाकर उन्हें अभिवादन किया है। सचमुच हमारी ज़िंदगी आज जो भी है, हम जो भी आज इस समाज में जिस परिस्थिति में आज है, वो केवल और केवल बाबा साहब जी की बदौलत ही है। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे और यहाँ पर आज देख रहे हैं कि हम हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर अभिवादन करने आए हैं। कल भी हम इसी तरह शांतिप्रिय तरीके से दादर जाएंगे और वहाँ पर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करेंगे। वहीं दूसरी ओर उल्लासनगर के चोपड़ा कोट परिसर में 5 दिसंबर की रात्रि के समय वहां के स्थानीय रहवासियों की ओर से, नाना बागुल की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। 7 दिसंबर रोजी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर 62वां महापरिनिर्वाण दिन, त्यानिमित्त सर्व आंबेडकरी जनता या ठिकाणी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी आलेले आहेत। तसेच मी माझ्या परिवारातर्फे व उल्हासनगर महानगरपालिकेतर्फे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन करतो। धन्यवाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आज महापरिनिर्वाण दिन, या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे। आजूबाजूच्या विभागातले सर्व लोक या ठिकाणी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी येतात। मी माझ्या बागुल परिवारातर्फे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगरच्या वतीनं बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन करतो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का 62वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हुए उल्हासनगर के शहीद डॉक्टर मारुति राव दगड़ू जाधव
रिक्शा चालक मालक संगठना की ओर से सुभाष टेकरी के रिक्शा चालकों मालकों ने इसी महापरिनिर्वाण दिवस को मनाते हुए इसी उपलक्ष्य में स्थानीय आदिवासी लोगों में उनके बच्चों में राशन व जरूरत की सामग्री बांटी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर यांच्या 62व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आज शहीद मार्गदराव दगडू जाधव रिक्षा चालक मालक संघटना सुभाष टेकरी स्टँड यांच्या वतीने उल्हासनगर वसारगाव येथील वीटभट्टी कामगारांना कामगारांच्या मुलांना मोफत ड्रेस वाटप केले, तसेच महिलांना जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप करण्यात आले, तसेच लहान मुलांना खाऊ इत्यादी वाटप करण्यात आले। शहीद मारुतीराव जाधव दगडू जाधव रिक्षा चालक मालक संघटना सुभाष टेकरी स्टँड आमचे जयंती कमिटी अध्यक्ष रोहिदास जाधव यांच्या उपस्थितीत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर हा कार्यक्रम आम्ही इथे आयोजित केलेला आहे। त्याचप्रमाणे आमचे भाऊजी जे वरिष्ठ आहेत चंद्रकांत जोगदंडे, तसेच आमचे सुधीर कांबळे आणि आमचे जे तरुण रिक्षा चालक मालक आहेत त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा कार्यक्रम इथे व्यवस्थित पार पाडण्यात आलेला आहे। ते मुलांना खाऊ वाटप आणि महिलांना जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप केले तर त्यांना खूप आनंद झाला आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जो महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांना जे अभिप्रेत असलेले जे कार्य आहेत ते कार्य शहीद मारुतीराव दगडू जाधव रिक्षा चालक मालक संघटना सुभाष टेकरी स्टँड यांच्या वतीने करण्यात येत आहे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका के टैक्स विभाग के अधिकारी उल्लासनगर के नेताजी परिसर में साई आर्केड पहुंचे। साई आर्केड के सारे दुकानदारों को उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द से जल्द टैक्स भरे, अन्यथा उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देख रहे हैं उल्लासनगर नेताजी परिसर का साई आर्केड। उल्लासनगर महानगर पालिका के टैक्स विभाग की ओर से टैक्स वसूली के चलते साई आर्केड के सारे दुकानदारों को ये चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपना टैक्स भरें। तकरीबन 4,90,000 का टैक्स भुगतान अभी वहां पेंडिंग है। साई आर्केड को इसी के चलते पिछले साल सील भी किया गया था। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से विभाग के अधिकारी वहां पर टैक्स वसूल कर रहे हैं और इसी के चलते वहां उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि जल्द से जल्द वे टैक्स भरें, वरना उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के बिग सिनेमाज में मैनेजमेंट बदली होने के बाद वहां पर खाद्य पदार्थ महंगे मिलने लगे। इसी के चलते उल्लासनगर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से इसका विरोध भी हुआ और विरोध के बाद वो खाद्य पदार्थ सस्ते किए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी बता रहे हैं इस पर अधिक रिपोर्ट कि किस तरह से उनकी मांग अब सक्रिय रूप से लागू होने लगी है। देखते हैं। बिग सिनेमाचं जे मॅनेजमेंट बदली झाल्यानंतर इथल्या ज्या खाद्य पदार्थांच्या किमती होत्या त्या मोठ्या प्रमाणात आवाच्या सवा किमतीने ते विकल्या जात होतं। नागरिकांच्या बऱ्याच तक्रारी होत्या, त्या तक्रारीनंतर आम्ही त्यांना एक पत्र दिलं होतं की तुम्ही 29 तारखेपर्यंत किमती कमी करा, परंतु त्यांनी आम्हाला विनंती केली होती की बुधवारपर्यंत आम्हाला वेळ द्या। त्यानुसार आज मी आजची मीटिंग बोलवली होती, त्याच्यामध्ये ते सकारात्मक आहेत, ते बऱ्याच गोष्टीच्या किमती कमी करायला तयार आहेत। त्यांनी 70 रुपयाचा चहा अगोदर 50 रुपये केला होता, परंतु आता आमची मागणी अशी की तुम्ही 40 रुपये करा आणि बाकी इतर ज्या गोष्टी आहेत त्यातही त्यांनी बऱ्यापैकी आपल्याला कन्सेशन दिलेलं आहे आणि ते आपल्याला सहकार्य करायला तयार आहेत। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। बताया जाता है कि उल्लासनगर के सम्राट अशोक नगर में एक कुत्ते ने तकरीबन 7 बच्चों को काटा है, जिसके चलते गंभीर रूप में घायल इन बच्चों को उल्लासनगर के मध्यवर्ती हॉस्पिटल में लाया गया। आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। आज या ठिकाणी सकाळी 9:30 दरम्यान सम्राट अशोक नगर उल्लासनगर या ठिकाणी एका कुत्र्याने जवळजवळ 5 ते 7 लोकांना चावा घेतला। त्यापैकी 7 मुलांना साधारणपणे वयोवर्षगट 5 ते 10 वर्ष या वयोगटातील मुलांना या ठिकाणी आपण ॲडमिट केलेले आहे। त्यावेळी रोशनी गवई दक्ष रोकडे आणि इतर 5 रुग्ण त्या ठिकाणी आहेत। त्यांच्या प्रामुख्याने चेहऱ्याला आणि हाताला आणि खांद्याला तसेच पोटाला कुत्र्याने चावा घेतलेला आहे। त्यांना आपण आपल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट चालू केलेली आहे। ARV अँटी रॅबीज वॅक्सिन दिलेले आहे त्यांना आणि इम्युनोग्लोबिनसुद्धा आपण त्यांना दिलेलं आहे।
लहान मुलांचे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आणि तसे सर्जन डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी करून योग्य ते इलाज या ठिकाणी त्या मुलांचा चालू आहे। सर, यात रोशनी गवई गंभीर दुखापत झाली आहे, त्याच्याविषयी काय म्हणाल? रोशनी गवई जे गंभीर जे आहे तिला दाताचं हे झालेलं तेच ना, तर तिला डेंटिस्ट जे आहेत आमचे दंतशल्य चिकित्सक त्यांनी तपासणी केलेली आहे आणि जास्त जर प्रॉब्लेम असेल तर मग आम्ही त्या पेशंटला ट्रान्सफर करू, नाहीतर इथे जर होत असेल तर मग आपण ह्याच ठिकाणी त्यांना ट्रीटमेंट देण्याचे प्रयत्न करू। जय श्री नरेश गवई, अकोला मलकापूर इथून आलेलो आम्ही, तर आम्ही इथं पाहुणे आलो ना, तर पाहुणे आलो हे तर मुलगा आणि मुलगी हे दोघंच आले होते संडासला, तर संडासून आम्ही सोबत जात असताना हे पुढे पळत गेले आणि तिकून एकदम रडतच आले, ते कुत्र्यानं चावली चावली त्यांना, मग ते हे करत आम्ही दाखवण्यात पळत घेऊन आलो। किती जणांना पुत्र चावलेलं? 7 जणांना पुत्र चावले। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शशिकांत दायमा व अन्य संगठनों की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि वालदुनी नदी दूषित न हो, प्रदूषित न हो। कई दिनों से, कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, आंदोलन चलाए जा रहे हैं, सिग्नेचर अभियान किए जा रहे हैं, इसी के चलते वहां पर दूषण प्रदूषण दूर भी हुआ है, लेकिन इन दिनों वहां पर फिर नदी प्रदूषित हो रही है और आंदोलन व कार्रवाई सिग्नेचर अभियान संगठनों की ओर से फिर से जारी हो रहे हैं। देखते हैं शहर में जिस प्रकार से वालदुनी नदी का जो है मुद्दा देखने को मिला था, दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही थी, जो पानी पहले पीने लायक था लेकिन अब वो जहर बन चुका था। तो इस विषय में यदि बात करेंगे तो सबसे बड़ा फैसला जो है शहर में ये आया कि जो कि वालदुनी नदी दूषित हो रही थी उसको लेकर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के जो केमिकल रिलीज करते थे जहाँ से जींस वॉश के होते थे उनके ऊपर जो है पाबंदी ला दी गई, लेकिन ये देखने को मिला था कि अब जो है थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी इस वालदुनी दूषित नदी को फिर से जो है बचाने की कोशिश पर। लेकिन ये देखने को मिलता है कई ऐसी और भी कंपनियां हैं जो कि अभी लगातार जो है केमिकल छोड़ रही, जिसके वजह से काफी दिक्कतें हो रही है और फिर से वही दूषित नदी देखने को मिल रही है, जो कोशिश थी वो फिर से असफल नजर आ रही है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, लगातार कैंपेन आप लोग कर रहे हैं, लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं और किस किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? पिछले 1.5 साल से हम वालदुनी नदी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे पहले देखा था तो कुछ नहीं था, एकदम जीरो स्मेल आती थी, परेशान होते थे लोग, तो हम सब संगठन ने मिलकर सिग्नेचर कैंपेन किया, 1.5 साल कंटिन्यू किया, उसमें 6-6 महीने में रिजल्ट भी आया, सफाई भी हुई, बदबू भी कम हुई, लेकिन फिर से अभी रिपीट हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो केमिकल छोड़ा जा रहा है वो सेहत के लिए ख़राब है पब्लिक की। हम इस मुद्दे पे फिर से आवाज़ उठाएंगे और फिर से हस्ताक्षर अभियान करेंगे, हम अपनी वालदुनी माता को फिर से स्वच्छ बनाएंगे। जैसे कि हमने कल ही एक कैंप किया था, सिग्नेचर कैंपेन अपना 3 नंबर भाजी मार्केट के थोड़ा आगे, तो वहाँ पर बदबू अभी भी आती है और केमिकल का जो प्रभाव है वो आज भी वहाँ पे वैसा का वैसा ही है। जबकि इन सारी जो भी है क्या करोड़ों का टेंडर वगैरह जो भी XYZ STP ATP प्लान पास हुआ है तो अभी तक उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है, बहुत बहुत लापरवाही दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा। अभी हम ये चाहते हैं कि जैसे कि पहले केमिकल छोड़ा जाता था तो काफ़ी टाइम के बाद या रात को 2-2.5 बजे की आप देखते होंगे कि स्मेल आती थी, अभी ऐसा हो रहा है कि 8 बजे हो या 9 बजे हो, मतलब अभी उनके जो केमिकल माफिया के ये से डर निकल चुका है। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं या समझो ये रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम सब मिलकर अभी जागरूक हुए हैं और बहुत से लोगों को जागरूक करेंगे और काफ़ी अच्छी तरह इसको रोकेंगे। रामा जी, महत्वपूर्ण बात करेंगे तो भोपाल ट्रेजिडी के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा है अब वालदुनी के इस विषय को, और कहीं ना कहीं वो दिखाई भी देता है क्योंकि कुछ साल पहले ऐसा हादसा हो चुका है शहर में, लोगों को स्वास्थ्य की जो है काफ़ी तकलीफें हो रही थी, तो क्या कहेंगे MIDC का और इसमें पर्यावरण विभाग का किस तरीके से भूमिका नज़र आ रही है? MIDC की इसमें गंभीर भूमिका है क्योंकि जहाँ तक हम सभी को पता है, MPCB को पता है, शहरवासियों को पता है कि इसमें MIDC का कितना बड़ा रोल है। बदलापुर से जो केमिकल कंपनीज का केमिकल आता है वो फॉरेस्ट नाका तक पाइपलाइन है, अंबरनाथ MIDC से, आनंदनगर MIDC से केमिकल कंपनी का जो पाइपलाइन के थ्रू केमिकल आता है, परंतु फॉरेस्ट नाका से कल्याण खाड़ी तक वो जो नाले के थ्रू ही केमिकल बहाया जाता है, उसके ऊपर अगर कोई प्रक्रिया हो जाती है
जो ओपन में जो केमिकल बह रहा है, तो उस वजह से काफ़ी सारी स्मेल आती है। उसी वजह से 4 साल पहले भी हमारे, आज से ठीक 4 साल पहले हमारे शहर में गंभीर हादसा हुआ था, 600 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो उस बात को, उस तकलीफ को दूर करने के लिए सभी लोगों ने फॉलोअप करने के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंबरनाथ MIDC और कल्याण MIDC को 34 करोड़ रुपए का दंड लगाने के बाद में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में ये एफिडेविट दिया है कि हम लोग 17.5 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है वो फॉरेस्ट नाका से लेके कल्याण खाड़ी तक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसको फॉलोअप किया कि वे आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। 3 महीने पहले उन्होंने टेंडरिंग भी कर चुके हैं, टेंडरिंग उनका ऊपर, उनका ऐसा कहना है कि हमने टेंडरिंग करके, ई टेंडरिंग करके हमने ऊपर भेज दिया है, परंतु उस चीज़ को इतना समय क्यों लग रहा है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का आदेश आने के बाद ही, अभी सुप्रीम कोर्ट में तारीख होगी तभी आप जाके उनके सामने एफिडेविट दोगे, हर चीज़ में इतना समय क्यों लग रहा है? तो वो जितना जल्दी हो सके 17.5 किलोमीटर की पाइपलाइन अगर हमारे शहर से होकर गुजरती है, और वो गुजरने ही वाली है, वाल्दुनी नदी के किनारे से गुजरने वाली है, और जितना केमिकल हम लोग ओपन में छोड़ रहे हैं नालों के थ्रू जो नदी में डाला जा रहा है, वो केमिकल के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट करके पाइपलाइन के थ्रू हम लोग कल्याण खाड़ी में छोड़ सकते हैं। तो ये आने वाली जो बदबू की समस्याएं हैं या जो रात को जो केमिकल छोड़ने की समस्या है, उसके ऊपर हम काफ़ी सारे हद तक निजात पा सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आमदार व महापौर निधि से उल्लासनगर से सटे मारल वरप कांबा गांव में कई विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। ठक्कर वापा आदिवासी सुधार योजना और सरकार द्वारा जनहित में योजित 25-15 योजना के तहत मारल वरप कांबा गांव में ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र 5वां मेल, वागेड़ा पाड़ा आदि जगहों पर उल्लासनगर विधायक श्रीमती ज्योति कालानी और उल्लासनगर महापौर श्रीमती पंचम कालानी जी के हाथों 10 व 12 लाख के प्राप्त निधि से सीसी पैसेज निर्माण का भूमि पूजन हुआ। साथ ही मारल वरप कांबा गांव में क्रमश एक एक ऐसे 3 पथ स्तंभ हाई मास्ट लाइट का लोकार्पण भी हुआ। उक्त अवसर पर उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक ज्योति कालानी, उल्लासनगर महानगर पालिका महापौर श्रीमती पंचम कालानी, नगर सेवक राजेश वधरिया, गांव के सरपंच मंगेश वनकरी व अन्य वहां के स्थानीय रहवासी उपस्थित थे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सिंधी फिल्मों के इतिहास में अपना ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली VTV की 6ठी फिल्म अब रिलीज होने जा रही है। रेगुलर रिलीज के चलते उल्लासनगर 1 के न्यूली रिनोवेटेड अमन टॉकीज में रोजाना शाम के 8:30 बजे से आप यह फिल्म देख सकते हैं। सिंधी साई अमन टॉकीज में रोजाना शाम के 8:30 बजे केवल 60 रुपए व 80 रुपए के दर में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं ऐसी फिल्म का एक ट्रेलर। सिंधी फिल्मों जो कारवां आहे बरकरार, VTV जी 6 सिंधी फिल्म दिसण जे लाए थी वञो तैयार। सिंधी साई अ कम्युनिटी नोन एज वापारी, 14 दिसंबर का 20 दिसंबर ताई उल्लासनगर 1 जे न्यूली रिनोवेटेड अमन टॉकीज में रोज शाम जो 8:30 बजे दिसंदा सिंधी फीचर फिल्म सिंधी साई।
हर सिंधी जो निगेबान भाभी सिंधी तो जो सिपाही चेहरो तुहिंजो रोशन अहेड़ो चांडो की भी थोरी तोखे जीवन संगनी बनाया जोड़ा प्रीत जी दोरी। अरे मुंजी किरणी, अरे मुंजी चाय पत्ती, अरे मुंजी खंड वरी छात्यो सुमण भी न था दियो न सिद्धो चो न चाय ठाए दे तां पैसा छोड़ींदस वे मां गोली वापस तो ल्यास खण न खबे तुजी गोली हे दिस गंदो लख जे लानत तई वदी चो नंडी इया को बंद ती कया त नान कटाई परे ती हली वने ए इया को बंद ती कया त नान कटाई सामू ती नजर अचे देण ध्यान हथ में आई सिंधी माना स्मार्ट वर्क शरणार्थी न पर पुरुषार्थी हुआ सिंधी साईं शरणार्थी नाही पर पुरुषार्थी आहे सिंधी साईं। सिंधी साईं अ कम्युनिटी नोन एज व्यापारी हिन फिल्म जो टिकेटू हासिल करण जे लाए तमा संपर्क करे सगो था 9822448808 ते तो याद रखंदा सिंधी साईं 14 दिसंबर खां 20 दिसंबर ताईं रोज शाम जो 8:30 बजे न्यूली रिनोवेटेड अमन टाकीज उल्हास नगर 1 कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्हास नगर के विभिन्न पुलिस स्टेशन्स में दर्ज शिकायतों के आधार पर हमारे पास क्या है उपलब्ध क्राइम रिपोर्ट देखते हैं। उल्हासनगर 3 फॉलोवर लेन परिसर में आशा लभाना नामक महिला के साथ उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा हिंसक व्यवहार करने और उस महिला के घर की तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है। संबंधित महिला के साथ उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले संदीप पचारिया, प्रदीप पचारिया और मरियन नामक व्यक्तियों द्वारा हिंसक व्यवहार किया गया। यह पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 452, 427 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्हासनगर 3 स्टेशन परिसर से हितेश बलवानी नामक युवक की एक्टिवा चोरी की घटना सामने आई है। इस एक्टिवा का नंबर है MS05AR9652। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत मिसिंग एक्टिवा की तलाश कर रही है। उल्हासनगर 4 कुरला कैंप रोड परिसर से गणेश सूर्यवंशी नामक व्यक्ति की बजाज कंपनी की पल्सर 220 ये बाइक चोरी की घटना सामने आई है। इस बाइक का नंबर है MH05BW8959। ये पूरा मामला विठ्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत मिसिंग बाइक की तलाश कर रही है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें।